हम्म चलो अब सीखते हैं क्या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं आपको बताता हूं देखिए इस चैप्टर में ना बच्चों हम एक एक चीज पढ़ने वाले हैं जो बेसिक बेसिक फंडामेंटल है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप केमिस्ट्री को पढ़ते हैं वो सब इसमें डिस्कस किया गया है बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से इसमें मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ सिर्फ पढ़ते जाओ मजे से सिखा देंगे चलो सीखें आगे चलो देखते हैं देखो मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया आपके पास ये न्यूक्लियस है ठीक है ना अरे ये लो ये आ गया न्यूक्लियस ठीक है इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऐसे है ना ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है तो कह रहे हैं कि किस तरीके से इसके चारों तरफ जो शैल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेकंड में कितने आ सकते हैं है ना एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं पर वो किस तरीके से हैं कौन सी शेल में कितने हैं कौन से घर में कितने हैं कैसे पता लगाएं तो उन्होंने कहा कि भाई पहले में कितने होंगे दूसरे में कितने होंगे इस शैल में फिर इससे अगली शैल में कितने होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया टू एन स्क्वायर क्या फार्मूला दे दिया टू एन स्क्वायर जैसे मैं बात करूं इसकी तो यहां पर एटम है और एटम के अंदर ये न्यूक्लियस था ये न्यूक्लियस फर्स्ट शेल फर्स्ट शेल के लिए फार्मूला है टू एन की वैल्यू वन है फर्स्ट शेल के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं टू समझ गए ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेकेंड शेल की ये सेकेंड शेल है है ना ये न्यूक्लियस ये फर्स्ट शेल ये इसके बाद सेकंड शेल सेकंड शेल के लिए टू एन स्क्वायर फॉर्मूला है एन की वैल्यू टू है तो कितने हो गए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एट इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे समझ रहे हैं बात को सिमिलरली अगर मैं बात करूं थर्ड शेल की जिसका नाम हम क्या देते हैं एम शेल है ना एम बोलते हैं ना इसको फर्स्ट को के बोलते हैं सेकेंड को एल बोलते हैं और थर्ड को क्या बोलते हैं एम एम में कितने हैं अट्ठारह कैसे पता लगा टू इंटू थ्री थर्ड शेल का स्क्वायर एटीन इलेक्ट्रॉन्स ये अकोमोडेट कर सकता है समझ रहे हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ठीक है ना इन इन शेल्स में बहुत बढ़िया बेसिक सी बातें कर रहे हैं है ना चलो आ, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी सीखेंगे आगे क्या क्या हम सीख सकते हैं इसमें बहुत बढ़िया बहुत ज़्यादा बढ़िया इंपॉर्टेंट बात एटॉमिक नंबर व्हाट इज एटॉमिक नंबर क्या होता है एटॉमिक नंबर जान लें इसको क्या है एटोमिक नंबर की जब मैं बात करता हूं तो सिंपली मैं बात किसकी कर रहा हूं बच्चों मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटोन्स की किसी भी एटम में हाउ मेनी प्रोटोन्स आर देयर कितने प्रोटॉन्स हैं देखिए आप मॉडल समझ गए हैं एटम का ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये न्यूक्लियस है अब न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है ये बात आपको क्लियर कर दूं मैं पहले प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कौन होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स और बाहर कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक अच्छा एटोमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ठीक है ना जैसे मैं बात करूं सोडियम की सोडियम का एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो 11 होता है बच्चों क्या होता है एटोमिक नंबर इलेवन तो इलेवन का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटोन्स कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटोन्स कितने हैं उसके अंदर उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं इलेवन ठीक है ना जिसका जो एटॉमिक नंबर उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स हैं कहां न्यूक्लियस के अंदर समझ गए ऐसे ऐसे सीखना है चलो इसके बाद बात आती है मास नंबर की मास नंबर इज सिंपली कि किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं काउंटिंग में टोटल दोनों मिला के दिस इज नॉन एज क्या इसको आप क्या बोल देते हैं दिस इज नॉन एज मास नंबर क्या बोल देते हैं इसको मास नंबर ठीक है ना जैसे मैं सोडियम की ही बात करूं तो सोडियम का जो मास नंबर है ट्वेंटी थ्री है इट मीन्स क्या हुआ इसका मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर देयर एंड दोनों का सम कितना है ट्वेंटी थ्री इसका मतलब ये है समझ गए हैं ट्वेंटी थ्री है ना अच्छा यहाँ पे क्या है यहाँ पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर है ना याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट को मैं आपको दिखाता हूं ये समझ में आया ना मास नंबर क्या हो गया क्लियर अच्छे से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दिस इज नॉन एज मास नंबर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लो जी आगे लेके चलते हैं बात को और सीखते हैं अपने टॉपिक को चलिए तो अब सीखते हैं कि किस तरीके से आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है ना जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे कोई भी एटम है हमारे पास कोई भी एक एटम है और हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है है ना एलिमेंट लिया है एलिमेंट लिया है हमने है ना जैसे मैंने अभी सोडियम की बात कर रहा था मैं ये सोडियम एक पर्टिकुलर एलिमेंट है मैंने उसका एक एटम लिया है तो कैसे लिखते हैं इसका मास नंबर और कैसे लिखते हैं इसका एटोमिक नंबर याद रखिए जहां आप नीचे लिखते हैं जेड जेड फोर एटोमिक नंबर याद रहेगा जेड फोर एटोमिक नंबर और मास नंबर को आप यहां लिखते हैं ए से डिनोट करते हैं ठीक है तो इसका मतलब सोडियम को जब मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे लिख के दिखा रहा था आपको है ना दिस इज ये लिखा था ना अभी है ना तो देखो इलेवन क्या है एटोमिक नंबर है समझ गए 11 क्या है एटॉमिक नंबर है यानी कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं प्रोटॉन्स उसके अंदर 11 हैं समझ गए और 23 उसका मास नंबर है इट मींस कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन हैं दोनों मिलाकर 23 तो आपसे अगर कभी ये पूछ लिया जाए ध्यान से सुनना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं प्रोटॉन कितने हैं 11 न्यूट्रॉन्स कितने हैं पता लगाने हैं और टोटल दोनों मिला के कितने हैं ट्वेंटी थ्री यानी कि प्रोटोन है इलेवन न्यूट्रॉन आपको पता नहीं है और आपके पास टोटल दोनों मिला के कितने हैं ट्वेंटी थ्री तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे ट्वेंटी थ्री माइनस इलेवन सो कितने हो जाएंगे देख के बताइए ट्वेल्व समझ गए इतना आसान है एक नई टर्म सिखा रहा हूं न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स क्या है न्यूक्लियॉन्स प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स समझ गए टोटल न्यूक्लियॉन्स इतने हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर है सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने बताऊं अब मैं आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कैसे पता लगाएं क्या फॉर्मूला बनाएं तो सिंपल सा फॉर्मूला है ए माइनस जेड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर देख लीजिए क्योंकि मास नंबर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ गए ना 23 हैं और एटॉमिक नंबर के अंदर ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर तो सिंपली आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे समझ गए इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ठीक है चलो बहुत बढ़िया है आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ बातें और जान लेते हैं तो अब आता है वैलेंसी शेल क्या है है ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं ना बच्चों देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को उतना ही स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं ये सब वे बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है जब आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री तो आपको ये सब सबसे पहले ये चीजें आनी चाहिए सबसे पहले आप कुछ नहीं जानते केमिस्ट्री के बारे में दिस इज इस... द वीडियो इन विच यू विल गेट कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिस्ट्रीमिस्ट केमिस्ट्री की जो बेसिक है बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है, है ना और यह जानना बहुत जरूरी है तभी आप केमिस्ट्री में एक अच्छा एक अपनी फाउंडेशन बनाएंगे और अच्छा कहीं ना कहीं उसमें फील्ड में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे चलो वैलेंसी शेल की बात कर रहा था मैं तो वॉट इज वैलेंसी शेल सिंपली जो आउटरमोस्ट शेल है ना आउटरमोस्ट शेल एटम की जैसे ये न्यूक्लियस एटम का और दीज आर द शेल्स

हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैलेंसी शेल दिस इज नॉन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं कौन सी शेल में वैलेंसी शेल में आउटर मोस्ट शेल में दिस इज नॉन एज सिंपली वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ गए हैं ऐसे होता है तो इसमें एक एक काम करते हैं एक काम करते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का कोई ले लेते हैं चलो जैसे मैं बात करता हूं सोडियम की सोडियम क्या होता है सोडियम होता है अन्य है ना सोडियम के अंदर कितने जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है इसका इलेवन इलेवन का मतलब क्या है फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपको पता है कितने आ सकते हैं फर्स्ट शेल में फॉर्मूला है टू एन स्क्वायर बताओ ना मुझे कितना होगा टू इंटू वन का स्क्वायर यानी कि कितने आ सकते हैं टू सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं सेकंड शेल में बताओ कितने आ सकते हैं फॉर्मूला ये है एन स्क्वायर इंटू टू कितना है ये टू इंटू टू का स्क्वायर तो डेट इज कितना एट तो सेकंड में कितने आ गए एट उ मेनी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट दियर या फिर हाउ मनी प्रोटोन जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटोन याद रखना है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटोन होते हैं अगर एटम न्यूट्रल है।, है ना कोई चार्ज नहीं है एटम पे न्यूट्रल एटम हमने लिया है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटोन तो आपके इलेवन इसका एटोमिक नंबर है तो नंबर ऑफ प्रोटोन कितने हैं इलेवन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? तो पहले में पहली शैल हैज कितने, कितने इलेक्ट्रॉन तो तो है बताओ वन इलेक्ट्रॉन ओनली है ना कितने इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन है तो मैंने इसको क्या बोल दिया है मैंने इसको बोल दिया है कि ये इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ये इसका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ये आपके पास न्यूक्लियस ये आपके पास इसकी शेल्स और पहले वाली में आ गए टू मैं आपको दिखाता हूं इसको कलरफुल करके और सुंदर से स्टाइल में दिखाएंगे ना लो जी है ना देखो ये आ गया एक नए स्टाइल में ये ये लो टू इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं और दूसरे वाली में जो हैं वो कितने हैं उनको भी दिखा देते हैं ये लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है हो गया ना चलो इतनी बात सीख गए अब क्या करें अब एक थर्ड शेल ले लेते हैं लास्ट वन लास्ट वन वाली हमने जो शेल ली है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस शेल इज नोन एज वैलेंसी शेल एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन खत्म समझ गए इस तरह से सीखना है चले आगे देखें आगे की चीजों को बढ़िया तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे की चीजों को देखते हैं चलिए आपके पास क्या है वैलेंसी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस टर्म को भी जानना होगा वॉट इज दिस टर्म वैलेंसी क्या होती है वैलेंसी चेक कर लें जान लें चलो देखते हैं वॉट इज वैलेंसी देखिए किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरी चीजों से रिएक्ट करता है दूसरे एटम से रिएक्ट करता है ठीक है ना तो उस प्रॉपर्टी को ये कंबाइनिंग कैपेसिटी एक एटम से दूसरे एटम को कंबाइन करना है तो ये किसी एटम की ये खास बात ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कि इससे कनेक्ट हो जाए दूसरे एटम से कनेक्ट हो जाए जुड़ जाए तो वही कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं चलिए तो वैलेंसी क्या है वैलेंसी है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स ठीक है ना टू फॉर्म कंपाउंड मैं इसको और सिंपली लिख देता हूं मैं यहां पे अभी फिलहाल लिख देता हूं कंपाउंड ठीक है ना क्या बनाने के लिए कंपाउंड बनाने के लिए दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी वैलेंसी समझ गए चलो अच्छा क्यों चाहिए वैलेंसी का क्या रोल है देखिए कोई भी एटम हो कोई भी एटम हो उसके अंदर बच्चों ये होता है कि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में उसकी एक टेंडेंसी है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है ऑक्टेट से मतलब क्या होता है अपने आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके है ना ये हर एक एटम की खास बात है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है एट इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और एट रखने के लिए या तो वो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है या फिर अपने डोनेट कर देता है समझ रहे हैं या तो खींच लेगा या डोनेट कर देगा क्या करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए समझ गए हैं चलो मैं इसको और डिटेल में सिखाऊंगा बड़ा मजा आने वाला है देखिए तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑक्टेट मतलब एट इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए वैलेंसी शेल में एटम्स हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद सेम और अदर एलिमेंट्स तो दूसरे किसी एलिमेंट को पकड़ता है वो एटम सेम भी एलिमेंट हो सकता है या किसी और दूसरे एलिमेंट को पकड़ता है क्या करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए या उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल में आठ कर सके ठीक है ना एट इलेक्ट्रॉन्स कर सके दिस इज डन वो कैसे करता है ऐसा या तो वो शेयर कर लेगा किसी से या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा है ना लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज जितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है है ना और जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको आप सिंपली क्या बोल देते हैं उसकी वैलेंसी ठीक है समझ में आया इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कोई एटम है उसे अपने आठ पूरे करने हैं बहुत सिंपल बात उसे अपने आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं इन इट्स वैलेंसी शेल तो इसके लिए वो क्या करेगा वो इधर उधर से एटम्स किसी और एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा या फिर अपने अंदर ज्यादा है तो देने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को है ना तो कितने इलेक्ट्रॉन वो रिसीव करता है या कितने इलेक्ट्रॉन वो अपने लूज कर देता है तो इस प्रॉपर्टी को ही हम वैलेंसी बोलते हैं कितने वो वैलेंसी उसकी बनेगी जितने वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज या गेन करेगा या शेयर करेगा समझ गए ऐसे है चलो तो वैलेंसी को अब हम और डिटेल में सीख लेते हैं चलो वैलेंसी को जान लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से ये आपको टेबल दिखाई दे रही है ना मैं इसको देखिए जी ये टेबल दिखाई दे रही है ये टेबल में यही चीज दिखाई गई है सबसे पहले आपको दिखाया गया है हाइड्रोजन फिर है हीलियम फिर लिथियम फिर बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियोन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलीकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन

ठीक है फीना मग अल सी पस कल अर इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं सिंपली ह ही ली बे बो फा नीना मग अल सी पस कल अर है ना और इनके एटॉमिक नंबर ऐसे कैसे अरेंज हो जाएंगे याद हो जाएंगे है ना इस तरीके से कर सकते हैं देखिए मैं आपको दिखाता हूं हा ही ली ठीक है बे ब नो फ नी ना मग अल सी पस कल आर समझ गए ऐसे याद कर सकते हैं हिली बेब क नो नी ना मग अल अलसी पसकल अर हिली बे बेब क नो नी ना मग अल सी पस कल अर और बस इनके नंबर से याद कर लेंगे एटोमिक नंबर सिक्वेंस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है ना फिफ्टीन सिक्सटीन क्लोरीन का सेवेंटीन और इसी तरीके से आर्गन का क्या है टी, है ना तो इस तरीके से आप टेबल को याद कर सकते हैं तो अब इसमें आप खुद ही बताइए अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही है चलिए तो इस तरीके से आप ये टेबल याद कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं कुछ और बात ये आप सबसे पहले इस स्टेबल को याद करेंगे बार बार लिख लिख के याद करेंगे और जब एक बार तैयार हो जाएगी तो आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे ही पता रहेगा पहले से ही पता रहेगा कि भाई हाँ इसका ये एटॉमिक नंबर है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और और चीज़ों को जान लेते हैं चलिए ये सब हम जान गए हैं तो अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं कि कैसे फाइंड आउट करें वैलेंसी को चलो एक एक चीज को देखते हैं ध्यान से सुनना है बात को मैं कैसे कैसे बता रहा हूं हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का जो हमने सीखा है वो वन है है ना तो सिंपली इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है है ना तो यही इसकी एक ही शैल होगी जरूर समझ रहे हैं एटम और एटम में सिर्फ एक ही शैल होगी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी है ना हीलियम की अगर मैं बात करता हूं तो हीलियम के पास कितने हैं हीलियम के पास टू हैं और ये न्यूक्लियस इसका और इसके चारों तरफ ये कौन है शेल्स हैं पहली शेल और इसी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टू तो इसमें टू के टू हैं है ना तो ये क्या काम करेगा अब इसके पास एट तो है नहीं तो ये अपने दो के दो या तो डोनेट कर देगा है ना ये अपने दो के दो क्या कर देगा डोनेट कर देगा समझ रहे हैं अच्छा इसके बाद में बात करता हूं जैसे मैं बात करता हूं एक सोडियम की बात करता हूं मैं सोडियम के पास 11 है तो कैसे फाइंड आउट करें वैलेंसी को सीख रहे हैं देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं देखेंगे ये इलेवन एट्स का एटोमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन क्या होगा पहली शैल में टू आएंगे दूसरी में एट आएंगे और बाकी बचे हुए लास्ट वाली में आ जाएंगे वन समझ रहे हैं टू एट वन दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन ऐसे लिख सकते हैं आप किसी भी एटम को मैं बात करता हूं फ्लोरीन की तो फ्लोरीन का एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह से है तो इसकी जो आ, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सेवन इट मीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है इसकी जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेवन है लेकिन वॉट इज द वैलेंसी वैलेंसी कितनी है तो आप जब भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चार से बड़े हों तो आप सिंपली आप कैसे उसकी वैलेंसी निकालते हैं एट में से माइनस कर देते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को एट माइनस सेवन दट इज वन यहां वैलेंसी वन है समझ गए हैं चलिए और एक्साम्पल देता हूं आपको मैं इसकी जैसे मैं बात करता हूं मैग्नीशियम की तो मैग्नीशियम के लिए अगर मैं बात करूं वट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन फर्स्ट में टू आते हैं दूसरे में एट आ सकते हैं टोटल ट्वेल्व है टेन आ चुके हैं तो थर्ड वाली में कितने आएंगे बचे हुए टू तो ये तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द दउटर मोस्टर टू तो दिस इज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और व्हाट इज द वैलेंसी अब देखिए ये टर्म ये वाली वैल्यू फोर से बड़ी है कि छोटी, छोटी है छोटी है छोटी है तो सेम वैलेंसी भी क्या हो जाएगी टू। लेकिन ये टर्म अगर फोर से बड़ी होती तो आप कैसे निकालेंगे माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो आपको वैलेंसी मिल जाएगी मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल और दे देता हूं जैसे मैं बात करूं क्लोरीन की बच्चों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 17। मैं आपको दिखाता हूं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका मतलब मैं आपको यहां शो कर देता हूं देखिए क्लोरीन का नंबर है तो आप कैसे लिखेंगे फर्स्ट में टू सेकेंड में एट आ सकते हैं और थर्ड वाली में कितने बचे seven, तो बाकी बचे हुए इसमें चले गए तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेवन है लेकिन व्हाट इज द वैलेंसी यह वैल्यू चार से बड़ी है कि छोटी है बड़ी है तो कैसे फाइंड आउट करें एट में से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो दिस इज वैलेंसी कितनी वैलेंसी है इसकी क्लोरीन की वन समझ गए ये सब चीजें समझनी है तो समझ में आता है डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया चलो जी चलो अब सीखते हैं व्हाट इज इनर्ट गैस इनर्ट गैस क्या है इनर्ट गैस कुछ ऐसे गैसेस जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन है वो पहले से ही स्टेबल है यानी कि वे पहले से ही आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखती है एट रखती हैं कितने इलेक्ट्रॉन रखती हैं एट चलिए देखते हैं जैसे मैं बात करूं हीलियम की हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा सिंपली टू इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम ये न्यूक्लियस तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू हैं बस है ना ये अपना पहले से ही फुल है टू पे भी फुल हो जाता है चलो बात करते हैं नियोन की न्यून में टेन है तो ये एटम की शेल, ये न्यूक्लियस और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं टू और बाकी बचे हुए कहा जाएंगे बाकी बचे हुए कहा जाएंगे इसमें आएंगे है ना थे एट इसमें आ गए टू बाहर आ गए, इसमें अंदर आ गए थे ये आ गए यहां पे ठीक है ये हो गए तो ये पहले से ही एट है इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है है ना ना तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है क्योंकि ये अपने आप में ही कैपेबल है ये पहले से ही फिक्स है, है।, 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 तो है तो ये चीज है क्यों क्योंकि इनको कोई भी अपने अंदर से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है ऐसी आर्गन है एटीन है तो पहले में कितने आएंगे टू दूसरे में कितने आएंगे एट और नेक्स्ट वाली में टेन हो चुके हैं एट बचे हैं एटीन हो गए पूरे टू प्लस एट टेन प्लस एट एटीन समझ गए हैं तो ये पहले से ही इनर्ट गैसेज हैं इनमें आपको ये नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट और इनके डुप्लेट डुप्लेट मतलब जिसमें दो पूरे हैं पहले से है ना इनमें दो से ही काम चल जाता है हीलियम के केस में तो ये सब पहले से ही पूरे हैं चलो आगे बढ़ेंगे देखते हैं और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं हम इसमें आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स को जानना है वॉट आर आइसोटॉप्स ठीक है ना आइसोटॉप्स को जान लेते हैं आइसोटॉप्स एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एटॉमिक नंबर सेम और जब एटॉमिक नंबर सेम तो समझ जाइए वो एलिमेंट भी सेम मतलब जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल देता हूं आपको जैसे आइसोटॉप लिखा हुआ है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का मतलब क्या वन एच टू मैं दिखाता हूं आपको वन एच वन भी होता है और वन एच थ्री भी होता है यानी कि देखो सेम एटॉमिक नंबर है एटॉमिक नंबर सेम तो एलिमेंट सेम जब भी एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी कि एलिमेंट सेम है क्या अलग है मास नंबर डिफरेंट है क्या डिफरेंट है मास नंबर सेम एटोमिक नंबर यानी कि सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर मास नंबर इसके अलग अलग हैं समझ रहे हैं चलो अगर मैं आपसे पूछूं पूछू, कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं कैसे पता लगाते हैं

तो आइसोटोप ऑफ कार्बन कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं है ना जैसे कार्बन का जो आइसोटोप होता है एक तो कार्बन जो मिलता है एक तो 12 में मिलता है और एक कार्बन में मिलता है है ना नंबर एटोमिक्स होता है कार्बन का ऐसे है ना तो ये दो आइसोटॉप मिलते हैं कार्बन के समझ गए चलो इसी तरीके से क्लोरीन के भी होते हैं क्लोरीन का जो एटोमिक नंबर है सेवनटीन क्लोरीन का एटोमिक नंबर सेवनटीन और जो आपके पास मास नंबर है एक थर्टी फाइव में भी मिलता है नेचर में और एक थर्टी सेवन में भी मिलता है ठीक है सेम एटोमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर बहुत अच्छी बात चलो आगे बढ़ते हैं चलो देखें आगे की भी चीज तो देख लेते हैं थोड़ी सी चलो आइसो बार क्या है आइसो बार आर आइसो बार देखो डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम मास नंबर डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि एटोमिक नंबर अलग अलग है डिफरेंट एलिमेंट्स है सेम मास नंबर है लाइक like, आर्गन और कैल्शियम कैल्शियम का देखो जो मास नंबर है फोर्टी आर्गन का भी फोर्टी है ना कैल्शियम भी फोर्टी आर्गन भी फोर्टी लेकिन एटोमिक नंबर एटीन ट्वेंटी डिफरेंट है इसलिए एलिमेंट्स भी अलग अलग हैं दोनों है ना कार्बन है ये है हमारा कैल्शियम ये है आर्गन ठीक है ना सेम एटोमिक नंबर है सॉरी सेम मास नंबर है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है दीज आर आइसोबार्स समझ गए हैं चलिए तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले ली व्हाट इज एटम एंड एट व्हाट इज द फंडामेंटल्स एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू एटम कैसा होता है एटम कैसी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होता है वैलेंसी क्या है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है एटॉमिक नंबर क्या होता है मास नंबर क्या होता है आइसोटॉप्स क्या हैं आइसोबार्स क्या हैं ये एक बेसिक सी जनरल नॉलेज हमने इस पूरे यूनिट की पूरे चैप्टर की हमने ले ली है और इस चैप्टर को करने के बाद जब आप कोई भी केमिस्ट्री की चीज़ों को आगे अपनी स्टडीज में बढ़ाएंगे तो आप डेफिनेटली इन कन, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड विद आशाएं